इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हर जगह ट्विटर ऐसा आता है कि स्कूटर फट जाता है यू <laughs> नो right? you know, आग लग जाती स्कूटर में स्कूटर्स में जिनमें आग लगी थी वो सब चाइना चाहना था वो स्कूटर को इंडिया के टेम्परेचर अपनी रोड पे आग लग गई इज फ्रैंकली नॉट सरप्राइजिंग पिया ज्यादा हुआ है फ्रेंकली मीडिया ज्यादा अटेंशन ज्यादा मिला है काफी स्कूटर्स थे मार्केट में जो ज्यादा टेस्टेड नहीं थे जिनमें कॉडी इशूज थे सब लोग एक बार डरते नई टेक्नोलॉजी से कि बस क्या होगा फट जाएगा सर आप पेट्रोल पे बैठे हो

उन्होंने 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगा दिए ऐसा क्या दिखा इस फाउंडर में उनको कि 400 करोड़ रुपए खुद का पैसा एक इकलौते इंसान ने किसी दूसरे इंसान पे लगा दिए और उन्हें लगता है कि ये जो आज के हमारे ऑन्ट्रप्रिन हैं वो कुछ ऐसा करेंगे इंडिया के लिए कि इंडिया को उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है टुडेज एपिसोड इज़ विथ तरुण मेहता ऑफ एथर एनर्जी ये एक पॉडकास्ट है जिसने ना मुझे बहुत प्राउड फीलिंग दे दी कि इंडिया में ऐसा काम हो रहा है जो पूरे वर्ल्ड में नहीं हो रहा है हम इस टेक्नोलॉजी में लीडर हैं थैंक्स टू एथर तो एथर ऐसा क्या कर रहा है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन इंडिया ऐसा क्या कर रहा है इंडिया में ऐसी कंपनीज़ कैसे बनती है इंडिया में नया इनोवेशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है और आप और मैं इंडिया में अगर चाहते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी बन जाए तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे सेट कर सकते हैं इन सब के बारे में हमने बात करी और हमने समझने की कोशिश करी है कि कोरिया ऑटोमोबाइल में क्यों जीता होंडा ऑटोमोबाइल में क्यों जीता यूएस ऑटोमोबाइल में क्यों जीता और अब ये इंडिया का टाइम क्यों है और क्यों हम ऑलरेडी वर्ल्ड में सबसे आगे हैं सो इफ यू आर अ ट्रू इंडियन यू नीड टू वॉच दिस एपिसोड विथ आई वुड लव टू कॉल हिम माई ब्रादर नाउ बिकॉज इज अ जेम ऑफ अ पर्सन तरुण मेहता ऑफ एथर एनर्जी एंड 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 अगर आपको ये लगता है कि पॉडकास्ट बहुत बड़ा है तो राजुमारी क्लिप्स और राजकुमारी शॉर्ट्स चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम बहुत कम समय में बहुत छोटी क्लिप्स में आपको एक बेहतर लीडर बना देते हैं इन्जॉय टूडे शो पहले ना एकदम बेसिक ये बता दो सबको योर वर्जन ऑफ करते क्या हो कैसे करते हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो Why should people listen to you? Uh, हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाते हैं वी uh, आर hmm. द पाइनियर्स स्पेस में इलेक्ट्रिक uh, स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इधर इंडिया का लार्जेस्ट फास्ट चार्जिंग नेटवर्क रन करता है हमारे पंद्रह सौ स्टेशन है ऑल ओवर इंडिया इनफैक्ट uh, साउथ में तो यू कैन नेवर राइड एनी वेयर एंड रन आउट ऑफ चार्ज क्योंकि तीस चालीस किलोमीटर के अंदर पूरे स्टेट में कहीं भी मिल जाएगा आपको केरला वगैरह में इनफ स्टेशन

इंडिया में मतलब पेट्रोल इलेक्ट्रिक सब के कम्पेरिजन में परफॉर्मेंस स्कूटर है तो इट बीट्स टी वी एस एंटोर कैप्टिलिया एस आर बढ़िया बढ़िया स्कूटर को अच्छे से बीट कर देता है एंड फुली ग्रोन है एथर रन फॉर दो इंटरेस्टेड इन हाउ द कंपनी इज बिल्ट हमारा आर एंड डी इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स टू गिव यू हर रेफरेंस देर आर अबाउट आठ सौ से हजार लोग हैं रफली इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग Uh, क्या बात कर रहे हैं हाँ सेंस चाइनीज़ इलेक्ट्रिक टूअलर कंपनी इसमें रफली पचास सौ लोग होंगे द लार्जेस्ट कंपनी आउटसाइड ऑफ इंडिया उसमें आई थिंक तीन सौ लोग हैं सो दिस इज द लार्जेस्ट टीम इन द वर्ल्ड टुडे इलेक्ट्रिक टू वीलर्स के लिए सबसे ज़्यादा आई पी ए सबसे ज्यादा पेटेंट पोर्टफोलियो है एंड वॉट आर बिल्डिंग इज बेसिकली दी प्रॉबली द ओनली स्पेस इंडिया में वेयर इंडिया इज द ग्लोबल लीडर टेक्नोलॉजी में लाइक इलेक्ट्रिक टूवल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और बैटरी इससे ज़्यादा इवॉल्व और कहीं नहीं है इंडिया के बाहर जो so, चाइना में भी नहीं है चाइना बहुत पीछे बहुत पीछे बैटरी में भी कुछ नहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं है बैटरी चार्जिंग एंड स्पेशली सॉफ्टवेयर जो हमने बिल्ड किया है एंड अब हमारे स्पेस में जो तो बिल्ड हो रहा है इज वन ऑफ द इज द मोस्ट एडवांस्ड इन द वर्ल्ड टूडे क्या बात करें अभी मैं फ्रांस गया था ठीक हाँ। है प्रधानमंत्री वहाँ गए थे तो उनके साथ जीओ ग्रुप आई वॉज ऑल्सो पार्थ ग्रुप एंड इट वेरी फनी सिचुएशन क्योंकि सी ओ आफ्टर सी ओ एक ही पॉइंट बाबा आ रहा था इन वन फ्राम द अदर यार हमें टेक्नोलॉजी चाहिए आप एक्सेस दो आप फ्रांस ये हमें आ, देते नहीं हो टेक्नोलॉजी ये वाला मिजाइल नहीं देते हो ये नहीं देते हो तो आप दो दो, 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 दो। मेरे पाया लाइक देखो हमारे पास जो स्कूटर टेक्नोलॉजी है जो ई वी टू वाला टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है हम वो फ्रांस ला सकते हैं अगर आप हमें इंसेंटिव दोगे अगर आप हमें ये दोगे हम मैनुफेक्चरिंग लगाने को तैयार है अगर आप ये सब करोगे तो फिर लाइक हमारे पास जो चार्जिंग प्रोटोकॉल है ये इंडिया का ओनली ए सी डी सी चार्जिंग प्रोटोकॉल कुछ होता है ठीक है छोड़ दीजिए

हर इंडियन के लिए रीजन टू स्प्रेड होना चाहिए कि अगर एक कॉन्वॉय ऑफ सी ई मोदी के साथ इंडिया के बाहर जाता है फ्रांस में <laughs> वहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि आप हमें आपकी टेक्नोलॉजी दो हम इंडिया में ये कर देंगे हम इंडिया में वो कर देंगे एंड एथर एंड यू इज आर द ओनली वंस वो बोलते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है इंडिया की हम आप हमें इंसेंटिव दो हम वो फ्रांस लेके आते <laughs> हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए आप ले लो एक्चुअली मतलब खुद मांगने को नहीं है नहीं हमें बस है hey, बस एक्चुअली सब कुछ है यहाँ पे हम ले ला सकते हैं आप बताओ अब क्या दूंगा कूल स्टोरी राइट बिकॉज हर दिन आप न्यूज़ में ये सुनते हो कि टेस्ला इंडिया आने की कोशिश कर रहा है हैं तो टेस्ला की टेक्नोलॉजी इंडिया आएगी आप सुनते हो एप्पल इंडिया में कर रहा है तो इंडिया एप्पल की टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करते रहते हैं राइट यार और यहाँ पे बात हो रही है उल्टी ये टॉपिक वापस आएगा तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स मारूंगा तो तो हाँ जो वापस आई यहीं से स्टार्ट करती आ गया वापस अभी रिसेंटली टेस्टा ने दो तीन चीज़ शेयर करी थी एंड हाँ। uh, अपने सोशल मीडिया पे पीपल आर लाइक यार क्या बढ़िया है दो तीन फीचर्स थे एक फ़ीचर था उनका ट्रिप uh, प्लाना करके तो बेसिकली इफ यू आर ड्राइविंग अ लॉन्ग डिस्टेंस यार मैं मतलब लाइक अगर मैं बॉम्बे से दिल्ली जा रहा हूँ तो बीच में टेस्ला के फास्ट चार्जर्स लगे हुए हैं सो प्लान आउट दिस एंटायर ट्रिप फॉर मी कि भाई बैटरी खत्म होगी तो मैं बैटरी खत्म होने से पहले कौन से स्टेशन पर रुकूंगा कहाँ चार्ज करूँगा पहले क्या मतलब यू नो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसी फैंसी कंपनीज येक्नोलॉजी में सकती है मतलब हमें सोचा था मतलब हमने बहुत घटिया काम किया है बताया नहीं किसी को दो साल से फीचर है इधर में इधर में ट्रिप प्लान तो कब से वी आर ऑन वर्जन फोर ऑफ दिस ट्रिप प्लानर ये हम क्यों नहीं बता रहे लोगों को बताना चाहिए बट पीपल आर लाइक नहीं टेसा ही बना सकता होगा लाइक नहीं इंडिया बना हुआ है हमने काफ़ी टाइम से बनाया हुआ है दूसरा फीचर था दिस वॉज Uh, हाँ मैप लोकेशन शेयरिंग सो बेसिकली अगर किसी ने आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजा uh, कि यार यहाँ पे आ जाना शाम को कैफे पे तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली सेंड इट टू योर टेस्ला एंड इट्स बेडी कूल थिंग एक्सेप्ट दैट वी बीन डूइंग इट फॉर टू थ्री ईयर्स नो मतलब यू कैन सेंड द लोकेशन टू योर यथर कब से मतलब बहुत टाइम हो गया एक्चुअली मेरे बहुत बड़ा लास्ट लास्ट एक साल से मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि वी हैव जस्ट नॉट बीन एडवर्टाइजिंग नॉट रादर वी हैव जस्ट नॉट बीन पब्लिसाइजिंग जो इतना सब कुछ बिल्ड हो चुका है mm. एंड आई थिंक लॉर्ड काफी इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा था लोगों में पीपल आर लाइक नहीं यार अगर टेस्ला ने कुछ बनाया तो वही लाइक वही बेस्ट क्रेड टेक्नोलॉजी क्या नो डाउट टेस्ला इज ऑबियस डूइंग सो मच वा को कार बना रहा है बट दस अ लॉट जो इंडियन कंपनीज बना रही है जो एथर बना रहा है जो सीरियसली वन में और कोई नहीं बना पाया है लाइक like, है ही नहीं किसी और के पास आई थिंक दैट नीड्स मोर विजिबिलिटीज आई डिन नो अबाउट इट ई यानी किसी को नहीं पता आपको कहाँ से होगा स्कूटर खरीदना हमारे कस्टमर्स को नहीं पता चलता है मेरे को बाद में मैसेज दिलवाने पड़ते है लोगों को कि बताओ यार ये फीचर है गाड़ी में लोगों को पता ही नहीं है छः महीना आगे उसने यूज़ नहीं किया फीचर तक तो क्या कर रहे हो मतलब तो प्रोडक्ट बहुत तगड़ा बना दिया और बताया नहीं किसी को बताया नहीं किसी को चलो ठीक है आज बताते हैं आज एक एक चीज़ के लिए बताते हैं क्या क्या नहीं बताया लेट्स स्टार्ट विद डेट ओके फर्स्ट यू टेल मी वॉट यू थिंक अदर थ्री हाईलाइट्स विद पीपल एंड आज तक बताया नहीं लोगों तो भी भी बता उसके बाद भी feel, uh, एक तो आई वु स्कूटर इन द वर्ल्ड जिसमें गूगल मैप्स आपके लिटरली डैशबोर्ड में इंटीग्रेटेड है आपके डिस्प्ले पे है हैंडल बार पे और बढ़िया से चलता है तो तो सिम डलती है क्या सिम दिल हुई है okay. सिम दली हुई अंदर फोजी की वो हम पे कर देते हैं बैकग्राउंड से आपको वो भी पे करने का टेंशन नहीं है हम लोग पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं आपको आके कोई वाई से कनेक्ट करने की जरूरत है हॉटस्पॉट लगाने की जरूरत है आपकी बिग बिलीवर की वो सब फालतू उससे यूज केज नहीं बनता है तो अंदर सिम कार्ड है गूगल मैप्स है एंड आप लोकेशन मोबाइल से पुश कर सकते हो नहीं तो आप उस पर टाइप कर सकते हो आई थिंक मोर पीपल नीड टू नो अबाउट दिस क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है व्हीकल में सेकेंड थिंग इज़ आई वुड से अबाउट बैट एक्चुअली क्योंकि बहुत लोगों का टेंशन होता है इसके लिए बोलूँगा बैटरी लाइफ एंड आई थिंक वो हमारे खुद के ओनर्स को भी अभी टेंशन होता है उनको पता नहीं है ज़्यादा लोगों को लगता है कि अरे यार दो तीन साल में बैटरी खत्म हो जाएगी फिर क्या करेंगे बहुत महंगा पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल दिस इज़ नॉट जस्ट अस पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है Uh, हम पाँच साल की वारंटी देते हैं एंड uh, मेरे ओल्डेस्ट व्हीकल्स नाउ इन द फील्ड फॉर सेवन ईयर्स uh, टेस्टिंग वाले सात आठ साल के बाद मेरी बैटरी बढ़िया चल रही है इनफैक्ट फाइव ईयर्स ओल्ड कस्टमर्स आर स्टिल लाइक एट एटी नाइनटी परसेंट बैटरी तो बैटरीज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एर नॉट जस्ट एथर फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री प्रॉब्लम ही नहीं है पीपल शुड नॉट वरी कि यार पाँच छः साल मेरे को बैटरी प्लेस करनी पड़ेगी वो मोस्ट लाइकली ज़्यादा चलने वाला है uh, तीसरा क्या बोलूँगा तीसरा इनकेस चीज़ को नहीं पता एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सेलरेशन इज इज इनक्रेडिबल इज जिस क्रेजी एक्टिव सर जीरो आता हूँ जीरो टू फोर्टी दैट वी डू इज अबाउट आई थिंक थ्री पॉइंट टू सेकंड जीरो टू फोर्टी दैट एक्टिवा वील डू इज आई थिंक अबाउट फोर पॉइंट सिक्स सेकेंड्स जीरो टू फोर्टी ऑफ एप्री एस आर वन फिफ्टी विच इज़ अ प्रॉपर स्पोर्ट्स स्कूटर है बढ़िया है ठीक है उसका इज थ्री पॉइंट फोर सेकंड तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन जनरल आराम से पेट्रोल तो बहुत ही छोड़ेंगे जीरो टू फोर्टी जीरो सिक्सटी आराम से सब पूरा सिटी में आप बीट कर ही नहीं सकते हो इलेक्ट्रिक स्कूटर को और कोई भी इलेक्ट्रिक वहील को सो so, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए अगर आपको ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी चाहिए यू शुड बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल व्हीकल खरीदने का खाली एटलीस्ट टू व्हीलर्स में एक लौता रीज़न ये रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक से आपको डर लगता है या मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक का क्या होगा फिर आपको डर लग रहा है वारंटी से भी मान नहीं रहा तो आपको इलेक्ट्रिक नहीं खरीदना चाहिए ओके okay, इसमें दो क्वेश्चन है फर्स्ट इज कि अगर चलो मेरी पांच साल में बैटरी खराब हो जाती है छह साल में बैटरी खराब हो जाती है तो फिर ऑप्शन क्या है रिप्लेस कराओ पूरा स्कूटर की बैटरी चेंज हो जाती है बैटरी चेंज होती है पांच साल की तो हमारी वारंटी है तो पांच साल के अंदर कुछ भी होगा तो हम वारंटी में फ्री रिप्लेस कर देंगे उसके सिक्स ईयर होगी चलो सिक्स सेवन ईयर में जाएगा तो आप बैटरी रिप्लेस कराएंगे और जनरली ये नहीं होता है कि बैटरी मतलब चलते तो पूरी बंद हो जाएगी जनरली होगा कि बैटरी की रेंज कम होने लगेगी लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में दिस इस टैंडर्ड थिंग लाइक like कोई भी बैटरी ग्रेजुअली बैटरी की लाइफ कम होती है तो टिपिकली बाय फाइव ईयर पीरियड आपका बैटरी अगर पहले हंड्रेड किलोमीटर का रेंज देता था तो अब शायद एट्टी का देगा बट वो एटी देगा ऐसा नहीं कि वो मतलब तो फिफ्टी हो जाएगा वो एटी फिर भी देगा वो सिक्स सेवन्थ ईयर तक सेवेंटी फिर भी देगा तो अगर आपको अनलेस आपको टेंशन है कि नहीं मुझे हंड्रेड किलोमीटर एक्चुअट फुल ड्राइव करना था या बैटरी इज गुड टू गो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम प्रैक्टिकली जिन्होंने ओरिजिनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो पुरानी गाड़ियाँ बनती थी टेस्ला वगैरह की पुरानी वो तो दस दस साल से चल रही है डेढ़ दो लाख किलोमीटर चल गई है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एक एथर कितने की आती है हमारा व्हीकल थोड़ा महंगा आता है okay. जो हमारा सबसे सस्ता वेरियंट जो हम लॉन्च करेंगे अगले कुछ हफ्तों में दैट इज़ वन पॉइंट टू नाइन ओके वन लाख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एक शोरूम uh, हमारा जो सबसे फ्लैगशिप प्रीमियम वर्जन है दैट इज़ वन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड ओके सो टिपिकल पेट्रोल स्कूटर से अबाउट थर्टी थाउजेंड रुपीज़ मोर सो वन लाख सिक्सटी फाइव थाउज़ेंड आपको वो है और उसके बाद पाँच साल सात साल आठ साल को सा बैटरी चेंज करानी तो कितना खर्चा आता है कहना मुश्किल है क्योंकि सात साल बाद में बैटरी की प्राइस कम हो जाएगी और हर साल कम होती है नहीं एक्चुअली इट रेड्यूस बाई एट परसेंट एवरी ईयर टिपिकली बट यू शुड एक्सपेक्ट बी बिटवीन फोर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ एंड स्कूटर बाकी उससे डिग्रेड होता नहीं है इंजन uh -huh. है नहीं मूविंग पार्ट्स है नहीं तो प्रैक्टिकली नथिंग एल्स डी इलेक्ट्रिक मोटर है वह तो बीस साल भी चलती रहेगी उसका एफिशंसी भी प्रैक्टिकली ड्रॉप नहीं होता है सोफ यू रिप्लेस अ बैटरी और स्कूटर्स प्रैक्टिकली नहीं हो दी बिग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में हर जगह ट्विटर पे ऐसा आता है कि स्कूटर फट जाता है <laughs> right? That, you know, आग लग जाती है स्कूटर में ये yeah. पहले ये बताओ मुझे स्कूटर में आग लगती क्यों है सो द वेरी टेक्निकल रीजन इज लिथेमैन सेल्स जो अब कोई भी इलेक्ट्रिकल दुनिया का वो यूज करता है लिथेमैन सेल्स का एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो सेफ है अगर टेम्परेचर उसके ऊपर चला जाएगा तो इंटरनल केमिकल का ब्रेकडाउन हो जाएगा ना वो टेम्परेचर क्या टेम्परेचर हाई होता है एटी नाइनटी हंड्रेड डिग्री उससे भी ज़्यादा ऐसा नहीं कि मतलब धूप आई तो बिगड़ जाएगा कुछ बट जब आप स्कूटर रन करते हो बहुत सा हो रहा है सेल के थ्रू तो सेल गर्म होता है और उसका टेम्परेचर अप कर सकता है ना अगर ढंग से कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर डिज़ाइन किया है तो इनफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होता है कि सेल हीटअप होकर उसमें आग नहीं लगेगी लास्ट ईयर काफ़ी स्कूटर्स थे मार्केट में काफ़ी कंपनीज के जो ज़्यादा टेस्टेड नहीं थे जिनमें ज़्यादा जिनमें कॉर्ड इशूज़ थे तो वहाँ पे आई थिंक प्रोटोकॉल्स थे सेफ्टी के बट वो वर्क नहीं किए तो उसके कारण कुछ स्कूटर्स मार्ग में आग लग गई पर उसमें से भी पिया ज़्यादा हुआ है फ्रैंकली मीडिया ज़्यादा अटेंशन ज़्यादा मिला है नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट स्कूटर्स में जिनमें आग लगी थी वो सब चाइना इंपॉर्टेंट था मतलब उनकी फुल बैटरी चाइना से थी एटलीस्ट लाल व्हीकल भी चाइना था राइट एंड ऐसा नहीं कि चाइना प्रोडक्ट हमेशा खराब होता है बट इज इज़ दैट वो काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट है चाइना में दैट इज़ में लाइक दो तीन साल का लाइफ इट्समोस्ट यूज एंड थ्रोज अ प्रोडक्ट तो वो स्कूटर को इंडिया के टेम्परेचर अपनी रोड पे आग लग गई इज फ्रैंकली नॉट सरप्राइजिंग प्रॉपर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जनरली आग नहीं लगेगी एंड uh, मैं खाली इतना की बातें कर रहा हूँ हमारे कॉम्पिटिटर्स भी

एंड आई थिंक गोन बी स्टैंडर्ड बढ़िया डिजाइन प्रोडक्ट्स विल नॉट कैच फायर तो ऐसे कभी नहीं हुआ है एथर के साथ स्पेसिफिकली कि जैसे हम देखें पार्किंग लॉट में खड़ी थी गाड़ी आग लग गई चला रहा था कस्टमर आग लग गई नहीं होना चाहिए बैटरी सो बैटरी का रिस्क होता है नहीं, अगर होना नहीं चाहिए और मतलब अभी तक नहीं हुआ एथर के साथ बैटरी में कभी आग नहीं लग गया no. mm -hmm. uh, क्योंकि बैटरी में आग लगना एक्चुअल रिस्क होता है एंड आई कॉल दट आउट हाँ कॉल दट आउट क्योंकि अगर बैटरी में आग लग गई तो दो ढाई सौ सेल्स होता है अंदर एक सेल में आग लगी तो फटाफट आग स्प्रेड हो जाएगी कंटेन करने का ट्राई करते हैं बट इट्स डिफिकल्ट एने का वो हुआ देन यू हैव टू लीड द स्कूटर भागो फिर तो दूर हो जाओ ठीक है क्योंकि वो पूरा आग जब तक तो खत्म नहीं होगा विल टे माइल बट इतने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अंदर जाते हैं कि इट इज़ फार सेफर देन सिटिंग ऑन अ फ्यूल टैंक आप पेट्रोल की टंकी पर बैठते हो बाइक पर ठीक है उसमें अगर आपको टेंशन नहीं होता है कि फट क्यों फटने वाला है कभी ये इसका फटने का चांस बहुत कम है उसके कंपैरिजन में सो so, नई टेक्नोलॉजी है ऑब्वियसली सब लोग एक बार डरते हैं नई टेक्नोलॉजी से कि बस क्या होगा फट जाएगा हम एक सर आप पेट्रोल पे बैठे हो पत्र एक पत्रा है उसके अंदर बहुत सारा पेट्रोल है ठीक है जो रोज खुलता है ठीक है ये भगवान भरोसे चल रहा है ठीक है इसमें आग नहीं लगी है डोंट वेरी आपकी बैटरी में आग नहीं लगने वाली है <laughs> 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 मतलब तो रीजन <laughs> 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 कि इंडियन ऑटोमोबिल्स कंपनी आज तक पीछे रही थी हमेशा हम बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आते बाहर की कंपनियाँ ऐसा क्या कर रही कि उन्होंने ग्लोबल ब्रांड्स बना दी हमारे से इंडिया ने एक भी ग्लोबल ब्रांड नहीं बनाई एटलीज इन ऑटोमोबल इंडियन हाउ मर्सिडीज बी एम डब्ल्यू चैकवा फरारी लेबागिनी टोयोटा फोर्ड सब ने ब्रांड्स बनाई बाहर से ग्लोबल ब्रांड्स बनाई इंडिया ने कभी भी ग्लोबल ब्रांड नहीं बनाई अभी तक क्या रीज़न लगता है फर्स्ट जहाँ पे क्रेडिट है वहाँ पे इंडियन टू व्हीलर ब्रांड्स एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ब्रांड्स है दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हीरो बजाज स्पेशली टी वी एस टू सम एक्सटेंड हीरोसो मैसिव एक्सपोर्टर्स क्वाइट ए क्रेडेबल ब्रांड आप लैटिन अमेरिका जाइए अफ्रीका जाइए इंडियन ब्रांड्स आर ट्रीटेड विद ऑफ रिस्पेक्ट सो दर इज टफ दैट्स चेंज नाउ लाइक रॉयल एनफील्ड ऑफ वो जब यूके जाता है पीपल आर लाइक लाइक पीपल री लव इट दैट साइड आपका मेजर पॉइंट यू क्वेश्चन इज करेक्ट Why do we have डू an एन अक्यू टेक्नोलॉजी dependence फ्रॉम आउटसाइड यार uh, मैंने अभी रिसेंटली इस पर काफी लंबा आर्टिकल लिखा था आई um, थिंक दो चीजें टेक्नोलॉजी एंड ब्रांड तो पहले मैं ब्रांड की बात करता हूँ आई थिंक ब्रांड बनाना एक्चुअली काफी घट सी कॉल है ठीक है ऐसा लगता है कि ब्रांड बनाना सेक्सी होगा एंड इट फील्स लाइक एट द एंड ऑफ इट बट काफी घट सी कॉल है ठीक hmm. है बिकॉज अगर आप ब्रांड बना रहे हो तो आप अपना उस पर नाम लगा रहे हो hmm. अच्छा हुआ तो बढ़िया आपके मार्जिन बढ़ जाएंगे पर अगर ख़राब हुआ तो आपका पूरा ब्रांड खराब हो जाएगा ठीक है इट विल टेक लाइक like, एक व्हीकल जिसमें आग लग गई और लाइक like, पूरा like, दस बीस पचास साल की नाम खराब हो जाएगा आपका तो इट फील्स ईजियर टू नॉट बिल्ड अ ब्रांड इट फील्स ईजियर टू बी मिडल मैन टू बी अ ट्रेडर राइट यार मैं क्या करता हूँ मैं वहाँ से स्कूटर लाता हूँ यहाँ पे यहाँ पे इंडिया में बेचता हूँ ठीक है एंड नाइनटीन सिक्सटीज नाइनटीन सेवेंटीज़ में थिंक ऑफ इंडिया बैक देन यार इमरजेंसी था ये था मतलब यू कान भी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन तरन सला कभी कुछ hmm. भी चेंज हो सकता है hmm. कंपनियां नेशनलाइज हो जाती है इफ आई बिल्ड समथिंग गवर्नमेंट आगे ले लेगी मेरी कंपनी ठीक है पता नहीं कब इमरजेंसी हो जाएगी पता नहीं कब इनकम टैक्स नाइन्टी से नाइन हो जाएगा मेरा अपसाइड क्या है मैं रिस्क क्यों लू ब्रांड बनाने का सला अपसाइड लिया तो भी सब चला जाएगा तो माई नॉट टेक अपसाइड एंड मेक श्योर कि हम लोग सेफ है आई थिंक इट वॉज अ टफ एरा ठीक है बिकॉज कंट्री वज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ उतने टफ टाइम पे

उनको बेसिक स्टेबिलिटी था लाइफ में uh -huh. कि मैं रिस्क ले सकता हूँ बट लॉट ऑफ कंपनीज नॉट हैव इट फ्रैंकली ठीक है आई थिंक एज द कंट्री बिकम्स रिचर दिस कॉन्फिडेंस ग्रोज अप लाइक टुडे इतने अंतरब्रांड्स के पास कॉन्फिडेंस है राइट right? ब्रांड बनाने का लाइक वी सी बोट वी सी सो मेनी कंज्यूमर ब्रांड्स डी टू सी ब्रांड्स लाइक एथर ईयर अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड्स इज थिंकिंग ब्रांड बिकॉज वो बेसिक कॉन्फिडेंस है कि सर्वाइवल तो हो ही जाएगा लाइक वी कुड बिल्ड समथिंग मच लाजर तो ये ब्रांड का सीन है टेक्नोलॉजी में यार आई थिंक वी जस्ट मिस्ड द इंटायर इंडस्ट्रियल एरा एंड इंडिया दे नॉट लर्न नाइनटीन फिफ्टीजीज थर्टीज में हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड बिल्ड अ कंपनी मेरे हिसाब से ओके ओके गो डी फॉर मी मोर आई थिंक बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म पीपल जस्ट लाइक चांस नहीं मिला लोगों को टू थिंक बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन क्योंकि इंस्टीट्यूशन से ब्रिटिश बिल्ड कर रहे हैं आपके ठीक है दे नो हाउ टू ऑर्गेनाइज पीपल हमेशा आता था आज से दो सौ साल पहले बट बहुत लंबे टाइम के लिए इंस्टीट्यूशन हमने बनाना बंद बन कर दिया कोई और बनाता है हम खाली सुनते हैं काम करता है ठीक an है इफ यू डोंट बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन एंड आई गेट टू द टेक्नोलॉजी पॉइंट जस्ट विद मी थोड़ा लंबा पॉइंट है अगर आपने इंस्टीट्यूशन बनाना नहीं सीखा ना देन यू कैन ओनली डू फायर फाइटिंग ठीक है आपके सक्सेस आर वेरी स्पोराडिक ओके यू डोंट हैव लाइक अ कंटिन्यूअस वे ऑफ डिलविंग सक्सेस ओके okay. hmm. किसी ने कुछ एक चीज बना दी वो क्लिक हो गई बढ़िया उसको वापस बोलो कि ऐसा सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाओ कैसे बनाएगा वो पैशन में उसने एक दो महीना बना दिया फिर लाइफ में वापस नहीं, वापस नहीं बना पाएगा वो ग्रुप जो आया उसको बनाने के लिए वो वापस बिखर जाएगा सो वी आई थिंक एज ए कंट्री वी जस्ट नॉट लर्न इनफ अबाउट हाउ टू बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन नाउ टू डू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टू क्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओके इफ़ यू अगर आपका डिपेंडेंस ये है कि यार कोई रॉक आएगा जो कुछ अमेजिंग चीज़ इन्वेंट कर देगा किसी लैब में बैठ के hmm. और उसके ऊपर कंपनी स्टार्ट कर दूंगा आप मतलब बहुत बड़ा बैठ ले हो ठीक है आई थिंक कंपनीज दैट हैव लाइक कंसिस्टेंटली जिन्होंने बाबा टेक्नोलॉजी में कुछ किया है hmm. जिन्होंने कुछ नई चीज़ इन्वेंट करी है कौन सी कंपनी थी जो बहुत सक्सेसफुल थी जनरल इलेक्ट्रिक जी एच पी इंटेल दीज कंपनीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड बेंच मार्क्स ऑफ ग्रेट इंस्टीट्यूशन देवर नॉट इंडिविजुअल सक्सेस ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्टीव जॉब्स कहीं रूम पे कॉफी पी आता तो कुछ आईफोन का आइडिया बस बन गया आईफोन ठीक है लोकेट एपल एपल इज कंसर्डन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेश खाली कोई एक स्टीव जॉब्स नहीं था बस जॉब्स गए दस बारह साल हो गए ठीक है अभी भी बनाई जा रही चीज है ठीक है अच्छी चीजें बना रहा है क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन है दर इज अट ऑलमोस्ट एक अ फैक्ट्री जो टेक्नोलॉजी के बाद टेक्नोलॉजी बना सकते हैं बार बार रिकरिंग वेवस ऑफ एट आई थिंक एज अ कंट्री अपने अपॉर्चुनिटी मिस कर गए इन दिन दाइटीन ट्वेंटी ठीक है वी जस्ट दिन नॉट लर्न हाउ टू बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन इसके सारे के सारे बिजनेस बिजनेस बारह दस पंद्रह बीस पचास लोग हैं ठीक है अगर hmm. हजार लोग का इंस्टीट्यूशन में आए तो फट गई अपनी अपने को नहीं आता ऑर्गेनाइज भी कैसे करना है ठीक hmm. है मेरा सबसे बड़ा पेट पी मेरा स्पेशली मेरे को स्प्न के लिए इज लाइक किसी को पता ही नहीं इंडिया में एक टेक्नोलॉजी कंपनी का ऑक्सपच्च कैसा लगना चाहिए ठीक है अगर मेरे को ढंग से आर एडी करना हजार इंजीनियर उसको ऑर्गेनाइज करना है क्या ऑक्सपेट लगा पता नहीं सर एक एक मैनेजर बनाते हैं पहले फेका मैनेजर बनाता है फेका मैनेजर बनाते हैं है। मतलब सर ऐसे नहीं काम होगा आप खाली पचास मैनेजर हायर कर लोगे फिर उनको आप खाली खाली पिरामिड बनाना इज नॉट एन नॉक स्ट्रक्चर ठीक है द पीपल हु डू पीपल मैनेजमेंट द पीपल हु डू टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट द पीपल हु डू प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन ये सब पता ही नहीं है लोगों को लाइक द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर में yeah. मुझे बताओ कितनी हार्डवेयर या कितनी ऑटोमोटिव कंपनी है जहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्ट मैनेजर है ही नहीं इंडिया ऑटो में कंसेप्ट ही नहीं है प्रोडक्ट मैनेजर का खाली प्रोडक्ट प्लानिंग का कंसेप्ट है जो बेसिकली मार्केटिंग होता है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर जो स्पेक लिखेगा जो डिसाइड करेगा जो पूरा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएगा उसका कंसेप्ट ही नहीं है ज्यादा इस मोर आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे प्रोडक्ट मैनेजर सो सो हाउ डू डू सस्टेन इंजीनियरिंग वर्क अगर yeah. मैं बोलूँ कि यार मेरे पास एक टीम है जो चार्जर्स पे काम करती है हमने या जो बैटरी पर काम करती है बैटरी की चार्जिंग पर काम करती है ठीक है अभी एक घंटे में बैटरी चार्ज हो जाती है ना आई वॉन्ट दिस अपन मिनट्स कैसे करेंगे पता ही नहीं किसी को नहीं पता लोगों के साथ बताओ करना क्या हम करते हैं बस यही लाइक like, एक एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन हैव लाइक अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी रोड मैप दैट कैन वर्क बाकी काफ़ी टीम्स के साथ खाली ये टीम काम करेगी तो काम नहीं होगा इसको बैटरी के साथ काम करना पड़ेगा इसको चार्जिंग के साथ काम करना पड़ेगा इसको सॉफ्टवेयर के साथ काम करना पड़ेगा इसको व्हीकल पर प्रोडक्ट लॉन्च का टाइमलाइन बनाना पड़ेगा ऑटोमोटिव कंपनीज ग्लोबली बहुत अच्छे से करती है लाइक इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम फोर्थ प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम हर कंपनी का होता है बीस से बीस पच्चीस हजार स्टेप का लंबा प्रोग्राम होता है मतलब हजारों स्टेप्स अबाउट हाउ टू डू कंसिस्टेंट टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंडियन कंपनी का जाऊंगे आदि कंपनी का कुछ होगा ही नहीं सिस्टम ही नहीं है ठीक है सिस्टम कैसे होता है प्रोडक्ट बनाना है चलो आप टेक्नोलॉजी एडप बनाओ बनाओ ठीक है देखते क्या होता है आई थिंक दैट्स दैट वी जस्ट दिन नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं थी सिस्टम नहीं बने ऑर्गेनाइजेशन ही बने लोग वैसे ट्रेन नहीं हुए फास्ट फॉरवर्ड फिफ्टी सेवेंटी ईयर्स लेटर लाइक इट्स सुपर हार्ड

बचपन से हमारे ट्यूश हमारी स्कूल्स में ऐसा नहीं बोलता कि आप टीचर को चैलेंज कर सकते हो करेक्ट राइट आपको सिर्फ एडमायर करना है आप कब कभी भी आपको ये नहीं सिखाया कि आपके बड़े जो बोल रहे हैं उनको चैलेंज कर सकते हो आपको सिर्फ उनको एडमायर करना है सो इट्स एडमिरीशन एंड येस सर इट्स नेवर एडमिरीशन एंड नो सर या राइट इट्स नेवर लाइक दैट एंड आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल अबाउट स्टीव जॉब्स जहाँ पे स्टीव जॉब्स एडमायर करता था पोलोर के फाउंडर को और सोनी के फाउंडर को इन दोनों को एडमायर करता था और बोलता था कि उन दोनों से मिलने के बाद मुझे लगता है कि दिस इज़ गोल्डन yeah. ये लोग जो बोल रहे हैं वो सबसे बढ़िया है राइट hmm. बट right? वो हमेशा ही बोलता था कि मैं इनकी बात मानता नहीं हूँ आई एडमायर देम आई लव वट देव बिल्ट बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लोग चीज़ें रुक जाती है yeah. क्योंकि सो द होल स्टीव ऑफ थीसिस वॉज आई एडमायर यू बट नो सर आई डोंट बिलीव यू

बट देस कॉपीड फिर दस चीजों का जो गैप नहीं मिला था वहां पर उन्होंने बोला नो सर आई डों अपना डाला और सिमिलरलीब्स वी आर बिल्डिंग एन इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन लिबरल आर्ट्स एग्जैक्ट लाइन विच पोलोर सैडक्ट वेमसलीबीव जॉब्स की लाइन ही नहीं है राइट uh, I forgot, I forgot okay. right? <laughs> उसकी लाइन <laughs> है सो <laughs> <laughs> so, उसकी ये लाइन है स्टीव <laughs> जॉब ने बोला मैंने उसकी फिलासफी ले ली लेकिन क्या इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लिबरल आर्ट सिर्फ पोलराइड पर ख़त्म होता है नहीं मैं ब्रेक करूँगा कि ये मैं कैमरा से बियड में भी जाऊँगा एंड देन द आई फोन वॉज बॉन्ड सो यू सी योर एल्डर्स यू सी विद विद ग्रेट एडमिरीशन एंड यूर ओके कि हाँ मैं उनको कॉपी कर लूंगा सब है लेकिन मैं आधी से आदा चीज़ें उनकी नहीं मानने वाला

राइट right? क्योंकि अगर आपने हज़ार लोग आर एन डी बनाया है तो आर एन डी इज़ फर्स्ट स्टेप टू मी जो लोग इंस्टीट्यूशनल सोचते हैं yeah, right? yeah, yeah, कि भाई right. मैं इन हाउस आर एन डी कर रहा हूँ और मेरी कंपनी के लिए वो होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं हर चीज़ इंप्रूव करूँगा तो ये एक नया इंप्रूवमेंट मेरी कंपनी को दस लाख दस साल की एक्स्ट्रा लाइफ लाइफ साइकिल दे देगा राइट दे दे और ये लोग बहुत करते हैं लाइक बाहर की आई मीन कंज्यूमर गुड्स कंपनीज भी करती हैं इंडिया में तो लाइक यूनिलिवर हैज़ अ ग्रेट आर एन डी सेश इन आई डोट हाव वट डू दे डू दे वॉट वट ऑल आर दे स्पेंडिंग ऑन पर बहुत तगड़ा आर एंड डी चलता रहता है और hmm. बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में होता है सो यू आर डूइंग दैट हाउ डू यू बिल्ड इंस्टीट्यूशन वट आर द्री की प्रीमाइसिस दो तीन चीज़ें क्या ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि लोग जो देख रहे हैं एंड आई टेल टेल्यू आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पीपल आई मीट वो मैंने बस नेक्स्ट मैट्रिक है उसको चेज कर रहे हैं uh -huh. वो सोचते ही नहीं है कि मैं अगले पचास साल में क्या बनाने वाला हूँ या मैं अगले क्योंकि इंस्टीट्यूशनल थाट नहीं है राइटली सैड हमारे लिए सिर्फ थाट ही है कि ओके okay, मेरी फटाफट कॉलेज हो जाए तो मेरी नौकरी लग जाएगी नौकरी हो जाए तो मैं तय ये कर लूँगा ये एक्सपीरियंस आ गया तो मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा बिजनेस आऊँ तो मेरे पाँच लाख रुपए महीने बनने चाहिए खत्म या नाउ द न्यू मैटर मेटरिक्स यूनिकॉर्न बना देता हूँ राइट यूनिकॉर्न बन गया ख़त्म लाइक इट्स नॉट एंड दैन दर्स अनदर जो सीरियल से लेकिन वैली से कॉन्सेप्ट आया एक बनाओ स्टार्टअप जीरो से सौ दो सौ करोड़ तक लेके जाओ बेच दो फिर दूसरा बना फिर तीसरा बना लाइक दैट्स व्हाट पीपल ट्राइंग टू इंस्टीट्यूशन बनाने का थॉट कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती hmm. कोई नहीं आता आई एम नॉट हर्ड एनी वन हु हियर एंड बी लाइक कीट आई एम बिल्डिंग दिस फॉर नेक्स्ट हंड्रेड इयर्स लाइक दिस इज वॉट आई प्लान टू डू ये मेरा सक्सेशन प्लान है ये मेरी सेकेंड लाइन ऑफ लीडर बनना है ये मेरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बन रहा है द व यू साइड कि यहाँ रॉक स्ट्रक्चर ही नहीं पता मतलब मैं हज़ार लोग बनाऊँ कैसे तो लोग कॉन्वर्जेशन ही नहीं करते फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन सो इफ यू हैव आइडेंटिफाइड दिस प्रॉब्लम आई एम शोर देर आर टेन परसेंट पीपल उनको भी प्रॉब्लम लगती होगी वॉट डू फील हाउ डू बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन पीफर आई आंसर दैट आई आई वॉन्ट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले एक पॉइंट चेप के लिए आई वेरी स्ट्रॉगली फील आई थिंक

But think of our ancestors. मैं तो अरे मैं ये एक साउथ uh, में टेम्पल बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ डेढ़ सौ साल लगेंगे लगेंगे हाँ बनाएंगे कोई बात नहीं मैं स्टार्ट करूंगा मैं किंग हूँ मेरा बच्चा उसको देखेगा उसका बच्चा उसको देखेगा आठ पीढ़ी बाद वो मंदिर बनेगा वहाँ पे फिर लड्डू फूटेंगे अरे क्या डेढ़ साल तक का मतलब वॉर हो जाएगा ना आप मर मन मर जाओगे मतलब आपका सिविलाइजेशन खत्म हो मतलब जाएगा कैसे बनाओ नहीं, नहीं बनाएंगे ठीक है मैं बना रहा हूँ पिरामिड बना रहा हूँ चार छः सौ साल लगेंगे मतलब मेरे को तो पता नहीं सिविलाइजेशन भी रहेगी नहीं चार छः सौ साल <laughs> क्या कर रहे हो आप कोई कथीड्रल बन रहा है यूरोप में हाँ ढाई सौ साल लगेंगे मेरी फैमिली पे इसको पैट्रॉनेच देगी ढाई सौ साल तो हमारी फैमिली पैट्रोनेच कर देती थी नहीं ढाई सौ साल तक हम लोग इसको फंड करेंगे क्या प्रॉब्लम है करते रहेंगे धीरे धीरे बनाएंगे एक एक करके आई थिंक इज समथिंग दट चेंज्ड ठीक है समा विज नॉट बोलो थिंक ऑफ अ राइट टाइम फ्रेम एंड अपने एनसीसी के पास कुछ खास था नहीं वो लोग पत्थर तोड़ताड़ के मतलब वो कैथीड्रल बना रहे मंदिर बना रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ अगर भी बंदा मतलब इफ पीपल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ दो ढाई सौ साल का प्रोजेक्ट याद लाइक दिस थिंक ऑफ द स्कोप ऑफ दैट प्रोजेक्ट मतलब आई डोंट नव एनी थिंग दैट वी बिल्ट टूडे दैट वुड टेक मोर देन टेन फिफ्टीन ईयरस लाइक सबसे बड़ी से बड़ा बिल्डिंग कुछ भी लाइक बिगेस्ट साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स वल्सो नॉट गो बी ट्वेंटी थर्टी ईयर्स का टाइम फ्रेम लाइक इमेजिन इफ देवर प्रोजेक्ट्स दैट 200-300 साल आप सोचोगे so no? so सो आई थिंक फर्स्ट दैट पॉइंट आई पाक दैट नो कि मेरे को मुझे बहुत स्ट्रॉगली फील होता है आई थिंक वी आर मिसिंग दैट एंड आई थिंक समबड़ी इज गॉट टू फिक्स आई थिंक मोर पीपल बहुत लोगों को लीड लेने की जरूरत है टू स्टार्ट थिंकिंग लॉन्गर सो वॉर यू वॉन्ट टू थिंक यू वॉन्ट बिल इंस्टीट्यूशन फर्स्ट यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म आई थिंक दस पंद्रह साल से कुछ नहीं होगा आई थिंक यू हेफ टू थिंक तीस चालीस पचास साल में वेर योर कंपनी वॉन्ट टू गट टू राइट लाइक एक्चुअली हैव अ गोल पचास साल का राइट right? uh, एट फर्स्ट वी एक्चुअली सेट नॉट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वी एक्चुअली सेट हमारा पर्पज इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड आर गोल दैट वी वॉन्ट सीन आर लाइफ टाइम्स इज बेसिकली इन्फिट एनर्जी एक्सेस लाइक दैट्स द वर्ल्ड वी वॉन्ट टू डाई इन ठीक है लाइक like, मरेंगे उसके पहले वी वॉन्ट अ वर्ल्ड जहाँ पे एनर्जी इज बेसिकली फंडामेंटली फ्री ठीक है कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज जीरो बिकॉज आई थिंक इज अन अमेजिंग वर्ल्ड सो वट कैन यू डू डू वर् सैट ठीक है फिर बहुत लंबा प्लान बनता है ठीक है <laughs> उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज लाइक फेज़ वन पंद्रह बीस साल लगेंगे ठीक है हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेन स्ट्रीम करना है लाइक एवरी वहीकल इंडिया शुड भी इलेक्ट्रिक उसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग टू व्हीलर से स्टार्ट करेंगे ऑल टू व्हीलर्स नीड टू गो इलेक्ट्रिक बिकॉज दियर आज एटी परसेंस ऑफ इंडिया के व्हीकल्स आ टू व्हीलर्स ठीक है सो वहाँ से स्टार्ट करेंगे उसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे उसमें हम इस टाइप के प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे सो आई केड यू नॉट लाइक दिस इज लाइक अ फिफ्टी हंड्रेड ईयर प्लान जिसमें लाइक द फर्स्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसमें द फर्स्ट टेन टू फिफ्टीन ईयर आई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ठीक है सो वेन यू स्टार्ट फ्रॉम देयर आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा लाइक यू विल लुक एट अ टीम डिफरेंटली यू विल लुक एट अ लीडरशिप डिफरेंटली यू विल नॉट भी हैप्पी अगर आपको कोई एक रॉक स्टार बंदा मिलता है जो आज एक प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है यूट फिगर आउट हाउ टेक इसका टैलेंट एंड मेक दैट लाइक लाइक आई डोंट वॉन्ट जस्ट हिम टू बी दक्सेसफुल थिंग एक ऐसा ग्रुप बन जाए like, एक ऐसा सिस्टम बन जाए कीन जस्ट कीप गिंग सक्सेस अगेन अगेन लाइक ऑफ लीडर्स नहींडर्स भी नहीं मैं <laughs> यही ग्रुप पंद्रह साल का काम करेगा कैसे आप इंश्योर करोगे कि उन्होंने एक बार जो रॉक स्टार सक्सेस डिलीवर किया वो मतलब बार बार है। 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 बिना सोचे अपना वो आखिर अपना आप खाली मंडे टू फ्राइडे आठ घंटा काम करेंगे कर तो भी वो एकदम फोड़ू काम कर लेंगे फायर फाइटिंग एलिमेंट आउट ऑफ द वर्क बहुत सारा काम अपन जो करते हैं ऑफिस में या वर्क इन जनरल वो काफी काम फायर फाइटिंग हो जाता है क्यों क्योंकि सिस्टम नहीं है ठीक है अरे यार ये ये बग आ गया शिट ये भग आ गया अब सब लग जाओ इस पे एकदम फाइट मारो लाइक विदेश भी डिफरेंट टीम जो वर्क फिक्स करती है कुछ कुछ ऐसा तोड़ू काम नहीं है बग है बघ आएंगे हजार बग आते हैं महीने के फिक्स करो इन लोग को सेपरेट करो डोंट लेटिंग बी डिस्ट्रैक्टेड ठीक है सिस्टम लगाओ लाइक दे शुड योर टारगेट शुड भी कि ऐसा सिस्टम बना दो इवन एवरेज पीपल कैन रन द सिस्टम रियली वेल ठीक है एंड देन इफ यू फिल दैट सिस्टम विद रियली स्मार्ट पीपल यूल है अमेजिंग कंपनी अमेजिंग वर्क कल्चर सुपर हार्ड Uh, you want to spend a lot of time on ox structure. Like, suppose my time spending. Like, at least I would say two or three hours a week at a minimum in just reviewing, debating, and tinkering with ox structures. Team by team by team by team by team. Okay, like how does work flow? Like a concept. of Value flow. Ka. Value uh, value flow. Ka. टोयटा ने ये लॉजिक टोयटा टोयडा एंड हॉन्डन ने मोस्टली टोयडा ने ये लॉजिक सबसे पहले सोचा था कि यार वैल्यू कैसे बनता है अपने एक बिजनेस है कस्टमर अल्टीमेटली कुछ चीज़ खरीदता है अपन से उसको डिलीवर करने के लिए पूरा पाथ ट्रेस करता है एंड वो पाथ में जो भी चीज़ आ रही है वो वैल्यू एड कर रही है और hmm. वो पाथ का एक लाइन ड्रॉ करता है एंड फिगर आउट हाउ कैन आई मेक दैट पाथ द मोस्ट अनकन्स्ट्रेंड पाथ लाइक थिंक मैन्युफैक्चरिंग ठीक है ऐसा नहीं बोलता चलो चलो सब आ जाओ फैक्ट्री में चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं mm. तो आप एक असेंबली लाइन बनाओगे ठीक है इस लाइन पे सब सामान आएगा और उस लाइन के एंड पे फाइनल वहीकल बनकर निकलेगा विच इज द वैल्यू जो कस्टमर खरीदेगा राइट ऐसा तो नहीं करता सब सामान बिखरा हुआ है फैक्ट्री में चलो आओ यारोज आज कुछ देखते हैं कैसे बनाएंगे कही, कहीं कहीं हैंडल आया तो ऐसा नहीं होता राइट सिमिलरली थिंक ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एज बेसिकली असेंबली लाइन ठीक है ना हाउ डू आई रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम दिस असेंबली लाइन दैट इज दट ऑज नीड टू बी बियर ठीक है सामान कहीं आ जाएगा स्टोरेज क्यों आ रहेगा ओनली पीपल हु नीड टू वर्क ऑन दिस आर हियर इफ यू डू दैट पीपल कैन वर्क लाइक ऑलमोस्ट रोबोट्स राइट लाइक क्रिएटिविटी कैन बी रियली रियली फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स एंड नॉट डे टू डे वर्क सो इट्स अ डिफिकल्ट कंसेप्ट इट्स नॉट ईजी बट इट्स पॉसिबल लाइक बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनीज आर स्ट्रक्चर लाइक द फाउंडर्स हैव स्पेंट रिडिकुलस अमाउंट्स ऑफ टाइम इन ट्वीकिंग टिंकरिंग एंड गेटिंग द ऑक्स स्ट्रक्चर राइट आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इंस्टीट्यूशन। अगर दस पंद्रह साल बिलियन डॉलर वैल्यूशन सोच रहे हो, कैसे भी हो जाएगा इफिंग मेरे को पचास सौ साल की कंपनी रन करनी है ठीक है एनी कंपनी ऑटोमैटिकली रन होनी चाहिए एंड ये कंपनी एक सौ बिलियन डॉलर की कंपनी बनेगी कंपनी कम से कम दस पंद्रह बीस एनॉर्मसली सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करेगी वर्ड इंटरेस्टिंग ओके नाउ दिस गैट्स मी डू अ वन लाख क्वेश्चन साइड ऑफ दिस ओके एंड देट इज़ कि ये तो आपका प्रोसेस है एंड यू आर अ फाउंडर बहुत लोगों को करना है पचास साल का काम ठीक hmm. बट पैसे नहीं होते दे स्टार्ट सो फर्स्ट यू टेल मी हाउ डिड यू रेज यो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट तो पहली स्टोरी एंजल अनर्स्ट तो मैं कैंपस में वॉक कर रहा हूँ कमी स्टार्ट कर दी है हमने एक महीना हो गया है hmm. फंडिंग तो है नहीं hmm. और दो महीने में पैसा खत्म हो जाएगा तो मैं वॉक कर रहा हूँ कैंपस में एंड सैंडली मुझे लिटरली एक पेड़ पर पे, एक पोस्टर दिखता है uh, एक एलोम नहीं है हु टॉक इन द कैंपस राइट ओके अरे अभी है तो हुँ. मैं तो वेला हूँ कुछ काम नहीं है पैसे है नहीं कंपनी चलाए कैसे तो आई वॉक दिन ऑडिटोरियम में सुनने के उसका लेक्चर गया तो बोला कि अभी लेक्चर आधा घंटा बाकी है ही इज मीटिंग वोना भी ऑन द पर्नर बिफोर बिकॉज ही इज दिन ऑन द पर्नर बढ़िया उनको जाकर मिलता हूँ गया रूम पे देखा कोई नहीं है वो अकेले बैठे गुस्सा खा रहे कभी वहाँ तो पाया नहीं मिल मिले मुझे मुला इतने लोग आके ज्ञान लेंगे बनाक सर रुको मैं आपको पिच करता हूँ ठीक है निकाला लैपटॉप पिच करना स्टार्ट किया काफ़ी इंप्रेस हो गए तो बोले कि नहीं नहीं मुझे तुम्हें सपोर्ट करना है कैसे करो मैंने कहा पैसे दे दो तो बोला कि हू सपोर्टिंग यू राइट नाउ मैंने कहा एक प्रोफेसर है उनसे आप आकर बात, बात कर लो दे गया उनको बात कराई तो वेरी इंप्रेसड बोला यू एस आ गया तो वापस कॉल करता हूँ गए उन्होंने वापस एक हफ्ते में कॉल किया बोला हाँ ये यू एस से यू एस में दे वो एफ वी आई टी फ्रॉम दैट ए वी आई टी इन दिस यू एस में ठीक है उस एर में तो उन्हें वापस बोला कि देखिए यार सब कुछ ठीक लग रहा है आई थिंक यू कैन बिल्ड लाइ ए टेस्ला लाइक कंपनी विद दिस कैंड ऑफ प्लान विस कैंड ऑफ एम्डिशन बट यार ये कैसे पता चलेगा कि कस्टमर्स को पसंद है जो तो भाई बोल रहा है इट्स साउंड्स राइट बट डोंट यू वॉन्ट यू चेक कस्टमर्स को इंटरेस्ट है तो कि चलो बढ़िया तो फेर आई थिंक वी नी टू डू किट कैम्पेन किक स्टार्टर तो बनेगा नहीं क्योंकि कुछ भी नहीं है अपने पास अभी तो आई वेंट अराउंड स्टार्टर मीटिंग

We actually got like 20 people paid. क्या थीके? बात कर रहे हो मजा नहीं कर रहा हूँ खाली फोटो है ठीक है फोटो पे तो यू फट जाएगी कौन मुझे जा पैसा ठीक है उससे मिल गया nice. so देखो सर लोग एक्चुअली पे कर रहे हैं

टू अदर ऑंटरप्रनर्स उनको बोल कि थोड़ा एडवाइस दे ठीक है कोई ना कोई तो अपने इन्वेस्टर्स इंट्रोड्यूस करेगा मैं तो कि किसी को जानता भी नहीं हूँ ना इंट्रोडक्शन है तो फिर फर्स्ट नेम एट कंपनी नेम डॉट कॉम ट्राई करना स्टार्ट किया ठीक है दस पंद्रह ऑन्तरप्रनर्स को मेल किया दो तीन ने मीटिंग ली ठीक है टैक्सी फॉर श्योर के फाउंडर्स उस टाइम एंडर वनवर्स सचिन बंसल बंसल सचिन एट फ्लिपकार्ट डॉट कॉम ठीक है उस पर मैंने मेल डाल दिया ठीक है बाउंस हो जाएगा बस किस है के? बाउंस नहीं हुआ मैं शाम को मेल भेजा दो घंटे में रिप्लाई आ गया अरे बहुत अच्छा प्लान है गुड कंग्रेचुलेन्नस अगर कभी बैंगलोर में हो तो हाँ हाई हाँ बोलना मैं कहाँ से मैं कल सुबह बैंगलोर में <laughs> चेन्नई में था मैं कल सुबह बैंगलोर में हो मैं बैंगलोर में रहता हूँ आ गया बैंगलोर फटाफट बस पड़ पकड़ गया ठीक है मीटिंग uh, हुई एंड सो आई एम प्रेजेंट टू हैम उनको मैं पिछच दिखा रहा हूँ एंड like, yeah, या सचिन मेरा स्ट्रगल ये है कि मैं कब से लोगों को बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरा ग्राउंड से बनाने की जरूरत है एक सेवेंटी एट्टी का टॉप स्पीड होना चाहिए अब नाइनटी का उस टाइम सेवेंट एटीजता था रेंज uh, अच्छा होना चाहिए लीथीमान बैटरी होनी चाहिए फास्ट चार्जिंग होना चाहिए टच स्क्रीन डैशबोर्ड होना चाहिए एंड्रॉड होना चाहिए गूगल मैप्स होना चाहिए बना के महंगा बेचेंगे पर लोग खरीदेंगे ठीक है लोग मान ही नहीं रहे इलेक्ट्रिक स्कूटर स्लो जाना चाहिए इलेक्ट्रिक स्कूटर सस्ता होना चाहिए तो सो यू बिलीव इन दिस राइट यहाँ तो फिर पिच चेंज नहीं करने का फिर मतलब यू शूड ओनली पिच फॉर यू बिलीव इन ठीक है वर्स के जो तो फंडिंग नहीं मिलेगी बट एटलीस्ट इट विल नॉट बिल्ड समथिंग फॉर अदर्स ठीक है तो दिस द करेक्ट पिच इफ यू बिलीव इन दिस इज द परफेक्ट पिच Nice. इसने अभी बिलिय तो डॉल इसने मतलब अभी बिलियन डॉलर रेस किया है इसको तो पता होगा इम्परेस्ट <laughs> I'm <very impressed. laughs> तो लेकिन आप कुछ किसका इंट्रोडक्शन दे दो मुझे पक्का मी नहीं निकल जाएगी तो मीड समक्शन अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी वेल टुक द मीटिंग नो बडी इवेस्टेड तीन चार महीना पैसा खत्म हो गया अगेन मैट हेम ठीक है दिस इज टू डेज बिफोर बिग बिलियन डे ओके फर्स्ट बिग बिलियन डे एवर ठीक है ट्वेंटी फोरटीन में एनी गिव टेम ठीक है सो मीटिंग में गया पिच किया वापस समझाया क्या अपडेट है एंड एट द एंड ऑफ द मीटिंग उसमें मतलब कि अच्छा फंडिंग क्या हो रहा था लाइक like, uh, uh, सचिन यू आनेस्ट uh, फंडिंग बिल्कुल रेस नहीं हुई है नो बड़ी इज इन्वेस्टेड मैं नो बड़ीड ना लाइक नो बड़ी बॉट दो इज बाइंग इट सो हाउ एज आजिंग मैंने कहा सिक्स करोड क्या वैल्यूशन रेस करा है मैंने कहा थर्टी सिक्स करोड़ आर यू श्योर द वैल्यूशन इज करेक्ट मैंने कहाँ पैसा बन जाएगा ठीक है खूल cool, uh, देखता हूँ मतलब कि एक सचिन ची पूछू आप इन्वेस्ट करेंगे मतलब आई थिंकिंग यार पंद्रह बीस लाख भी डाल देगा निकल जाएगा आप इन्वेस्ट करेंगे बी यू वॉन्ट बी इन्वेस्ट मैंने कहाँ ओनली वन कंडीशन पूरा इन्वेस्ट मैं करूँगा सचिन डू रिलाइज मेरे पास एक इन्वेस्टर नहीं है आपको पूरा इन्वेस्ट करना है कर दो <laughs> इन्वेस्टर नहीं है आई विल टेक यू मनी ठीक है डन डीलर एंड दैट्स वॉट सेव द कंपनी क्योंकि तब तक पैसा खत्म हो चुका था हमारा हम एक्चुअली डेट पे चल रहे थे देन सचिन टुक द फ्लिप एक्जिट फ्रॉम फ्लिपकार्ट Yeah. तो सचिन ने आखिर फिर वो काफी इन्वेस्ट किया सचिन इन्वेस्टेड फोर हंड्रेड नेक्स्ट टू ईर्स इन्हीं इन्हीं मल्टीपल राउंड्स में पहले सो, फिद, सो, फिद सवा दो सौ फिर सौ इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी लाइकली एफ टी को हाँ सचिन बंसल <laughs> ने इंडिविजुअल कैपैसिटी in पे चार सौ करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया तो इज बिन बिग पैक उसका कंपनी थोड़ी बड़ी हो गई रेवेन्यू आ गया पहले दो तीन करोड़ का रेवेन्यू पर मन था रेवेन्यू पर किया तीस चालीस करोड़ हो गया पचास करोड़ हो गया फर्स्ट तो फर्स्ट फर्स रेवेन्यू कब तक आया लाइक फर्स्ट फर्स्ट कितना पैसा उठा लिया था उसके बाद फर्स्ट रेवेन्यू आया गुड क्वेश्चन आपको टू सेवेंटी फाइव थर्टी फिफ्टी आई थिंक नफ्टी बट हंड्रेड मिलियन आई थिंक सात सौ करोड़ रेस कर लिया होगा हमें तब हमारा फर्स्ट रेवेन्यू हुआ नहीं पाँच सौ करोड़ पाँच सौ करोड़ रेस किया था तब हमारा फर्स्ट रेवेन्यू हुआ, हुआ स्टार्ट था पहला स्कूटर था बिका एंड दैट वॉज एब्सलूटली अ बैड प्रपोजिशन क्योंकि एवरी स्कूटर बेचने पर नुकसान होता था लाइक बढ़िया नेगेटिव ग्रॉस मार्जिन था तो स्कूटर बेचा तो मतलब पैसे गए ठीक है तो हम लोग कंट्रोल बेचते थे दो सौ ढाई सौ स्कूटर ही बेचते थे पर मंथ क्योंकि बहुत नुकसान होता था उसको फिक्स करने में दो साल लगे ट्वेंटी ट्वेंटी दिसंबर ठीक है ट्वेंटी एटी से ट्वेंटी ट्वेंटी दिसंबर एक्जैक्ट दो सवा दो साल तब कहीं जाके ग्रॉस मार्जिन पॉजिटिव हुआ क्योंकि स्कूटर बेचने से एक्चुअली प्रॉफिट होता है तब हमने सेल्स इंक्रीज किया uh, उसको रन किया उससे चीज़ें स्टार्ट स्केलिंग अर्ली ट्वेंटी लास्ट ईयर बेसिकली लास्ट ईयर वी रेस्ड अबाउट पंद्रह सौ करोड़ दैट पुट द कंपनी ऑन वेरी डिफरेंट ट्रांजेक्टरी रेवेन्यू बढ़ा दो सौ करोड़ ढाई सौ करोड़ तीन सौ करोड़ पर मंथ सो नाउ इट्स अ मोर इट्स इट्स स्मोल लाइक अ बिजनेस नाउ क्योंकि ठीक है रेवेन्यूज है कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी है मार्जन्स है तो कुछ दिस ईयर so कितना यार आर हो जाएगा अच्छा बहुत कहना मुश्किल है लाइक लास्ट ईयर वी हैड फोर एक्स फाइव एक्स ग्रोथ इस ईयर थोड़ा कम ग्रोथ होगा फ्रैंकली क्योंकि इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है काफ़ी एंड ई में uh, काफ़ी चेंजेस हो रहा है बट आई थिंक ग्रोथ विल री स्टार्ट बाई जनवरी फेबररी एंड नेक्स्ट ईयर वी थिंक टू थ्री टाइम्स ग्रोथ हो जाएगा वापस मतलब तो भी कितने नंबर पर आई थिंक नेक्स्ट ईयर वी शुड डू वी थिंक अबाउट फाइव सिक्स थाउजेंड क्रोर्स आराम से इन रेवेन्यू इन रेवेन्यू इंटरेस्टिंग मैम ऑल द बेस्ट फॉर दैट यू द सेकेंड बिग थिंग वट आई रियोली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि कभी भी इन्वेस्टर ने ऐसा नहीं बोला कि यार हम हीरो में डाल देते हैं हम टी वी एस में डाल देते हैं इतने सारे मार्केट में इतने बड़े बड़े बहीमत से इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़े बड़े राइट दे आर लाइक बिग बिजनेस ऐसा नहीं था कि आप कॉम्पिटिशन करने की कोशिश करें तीन चार छोटे छोटे स्टार्टअप से कंपीट कर लेता हूँ नाइट यू वर लाइक कि भाई इंडिया में सबसे ज्यादा क्या बिकता है Honda Activa, मैं उसके like yeah. एक दिन। और दो बिलीव है एक तो मेरी ब्रांड होंडा से बेटर होगी इधर दूसरा मेरा होंडा से बेटर स्कूटर होगा टेक्नोलॉजी वाइज भी होगा और तीसरा कि इनका इंस्टीट्यूशन इतनी जल्दी मेरे से बेटर टेक्नोलॉजी बना भी नहीं पाएगा मैं उससे पहले निकल जाऊंगा करेक्ट राइट दीजर से तीरों बहुत बोल्ड सीडे सुनने में ऐसा लगता है कि ओके भाई क्या करना जा रहा है ये कैसे सेल करते हो किसी को भी लाइक वाई वुड दे ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें तो क्या प्लेयर आके खा जाएंगे क्या मतलब है नहीं बहुत बोलते हैं ऐसा नहीं नहीं, नहीं बोलते बहुत बोलते अभी बोलता है आई थिंक uh, अलग अलग चीज़ें वर्क के डिफरेंट पॉइंट्स अर्ली स्टेज में यू हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट होप दैट्स इट ठीक है सो बेसिकली यू शो कूल प्रोटोटाइप्स एंड होप करो कि प्रोटोटाइप इतना बढ़िया इतना कूल लगे वो इन्वेस्टर जाके पीछे कन्वेंस करेगा अपनी टीम को कि यार डालना ही पड़ेगा एंड इट हैज़ वर्क हमारे लिए भी वही वर्क किया लाइक द रीजन सचिन हॉट देखने वाली ब्लैक लाइक सचिन का जो प्रोडक्ट दिखाया था बस अगली लुकिंग प्रोडक्ट बट इट रैन एंड फॉर हिम आई थिंक लाइक इट वॉज लेकिन अमेजिंग थिंक दैट्स किसी ने स्कूटर बनाया तो चलता है ठीक है <laughs> और वो इलेक्ट्रिक है और उसमें है डैशबोर्ड है जो बोल रहे हैं ठीक है जिस दिस इट सेल्फ वॉज लाइक फ्रिकिंग अमेजिंग फॉर ए मै दैट पॉइंट मुझे याद है टाइगर को हमने जो दिखाया था वीडियो Uh, उसमें स्कूटर का लुक्स रेडी हो गया था तो उसका प्लास्टिक्स असेंबल कर दिया था एंड दैट इम्प्रेस बिकॉज हमारा सिंगल पॉइंट पिच ये था कि यार वी विल बिल्ड अ वेरी 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 सेक्सी प्रोडक्ट राइट इट विल बी वेरी कूल सेक्सी प्रोडक्ट बिल्ट बाय फोक्स फॉर द न्यू इंडिया ठीक है एंड टेक्नोलॉजी इज न्यू एंड आपने इतने कंपनीज में डाला आपने देखा है कि नई टेक्नोलॉजी ओल्ड कंपनीज कॉन्ट बिल्ड जस्ट शू टू डैम हार्ड फॉर दैम These are two pitches essentially, and I think that sort of made sense. I think थिंक by the time they invested, काफी प्रोटाइव बन गए थे एंड there was टीम ऑफ हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी पीपल 180 एटी पीपल सब इंजीनियरिंग में सो वो दे saw was तुम लोग मतलब एक्चुअली कायदे से kaide इंजीनियरिंग टीम रन कर रहे हो rahe ho like 180 people doing engineering for electric vehicles in India है ही नहीं कहीं pe ठीक है एंड अब तुम दो ढाई साल तीन साल से रन कर रहे हो इसको ठीक है तुम क्लियरली गो एज अंडरस्टोर्ड हाउ टू रन दिस और तो किसी को आता भी नहीं है

एंड uh, मेरे हिसाब से सी एंटिल यू हैव रेवेन्यू लाइक वॉट वी आर नाउ इन अब किसी को प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है अब आप एक्सल एक्सल खेलते हो पूरे टाइम ठीक है उसमें सारा मैथ खत् उसमें भी दुनिया खत्म हो जाती है बट आई थिंक जब तक एक्सेल नहीं निकलता ना तब तक आप लोगों को खाली स्टोरी आप प्रोडक्ट दिखा दिखा के इम्प्रेस exactly. करो अगर आप हार्डवेयर बना रहे हो एवरी रूपी दैट यू रेस शुड गो फॉर अ बेटर कई बार गलत भी लगेगा कि मुझे पता है प्रोडक्ट चलने वाला है मैं और क्यों बना रहा हूँ मत सोचो बिल्ड अ बेटर लुकिंग प्रोडाइट बिल्ड अ बेटर वर्किंग प्रोटाइप और स्मूथ और बेटर लाइक किसी का दिल जीतना है इस प्रोडाइट को ठीक है वो इन्वेस्टर है इन्वेस्टर मानेंगे नहीं ठीक है देख लोक नहीं हमने बहुत ही प्रेगमेटिक रैशनल डिसीजन लिया है आई बिलीव देर आर जीरो राशनल डिसीजन ठीक है यूर पब्लिक कमनी घंटा है इट इज ऑल इेशनल एंड इट इज मैं होना पड़ेगा आपको yeah, तो, ठीक yeah, yeah, yeah. है नहीं, तो कैसे हम लोग सब भूल जाते हैं टूली रैशनल आप गाड़ी कैसे खरीदते हो आप गाड़ी खरीदने जाते हो अगर आप बहुत ही रैशनल बढ़िया

प्रोडाइप मत स्टार्टिंग उसको मत, उसको, उसको मत cool yeah, yeah. के प्रोजेक्शंस जो थे सब गलत है ठीक hmm. है uh, कितने लोग लगेंगे कितना पैसा लगेगा कितना टाइम लगेगा सब गलत था एंड इन रेट्रोस्पेक्ट पीपल दे यार अगर वो इट नॉट डिजास्टर अगर मुझे पता होता कि भाई टेन टाइम्स मोर पैसा लगने वाला है तो मैं कैसे बोलता किसी इन्वेस्टर को स्ट्रेट फेस से कि सर आप छः करोड़ दे दो देखना फिर स्कूटर बन जाएगा ठीक है आई एम श्योर ही बट एम लाइक आई वुड है ठीक है यू हैव टू नॉट नो एक्चुअली ज्यादा ज्ञान लेना फायदा नहीं है ठीक है बिकॉज यू हैव टू बेसिकली बी एबल टू बिलीव इन समथिंग इवन इफ इट इज गोइंग टू बी नॉट ट्रू यू हैव टू बिलीव इन इट

एन हैविन गिल्टी ऑफ इट समाइम्स आई एव नॉट बिलीव इन समथिंग वो घंटा ओफन रेस पूरा बर्बाद होता है होता ही नहीं है सो so, भाई क्या इनका इन्वैशनल अप्रोच है ये हर हाँ। भी बोलता है कि <laughs> हार्ड कोर तुम्हारा नंबर ही होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए ही होनी चाहिए नो एवरीथिंग नो एवरी माइन्यू डिटेल वर्क बैकवर्ज कि तुम्हें दस हज़ार करोड़ अगर तुम्हें पहुँचना है तो वहाँ से तुम कैसे बैकवर्ड 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 काम करोगे एवरीथिंग यू शूड डू यूर लाइक भाई इतना दिमाग लगाओ

और वो भी बहुत सेक्सी दिख रही सो इट्स नॉट की अब मैं सिर्फ सेक्स अपील के बेसिस पे या सिर्फ सम बड़ी बचे लुकिंग गुड आई एम नॉट चूजिंग टेस्लानी मोर बिकॉज देर आर वेल हॉटर लुकिंग कार करेक्ट आई डोंट नो द प्राइस क्योंकि दूर से अभी तो मैंने का प्राइस कंपेयर नहीं किया अभी तक जाके जिस लुक इट राइट बट उनका ब्रांड अभी भी बहुत स्ट्रांग है हाँ huh. कि बिकॉज दे दे वर्कड ऑन दिस कि मैं बहुत कूल cool लुकिंग कार बना रहा हूँ और बहुत तेज चलेगी सब होगा अब सारी गाड़ियों में आ गया ये hmm. तो अब कैसे स्टैंड आउट करेगा वो और कैसे करता है

600 किलोमीटर का रेंज ऑन इलेक्ट्रिक कार इज जस्ट लाइक क्रेजी लेकिन एवरीबडी एल्स 150 200 दो सौ की बात करें आप hmm. 600 किलोमीटर का रेंज बना रहे हो दैट्स क्रेजी डिफरेंट लाइक लोगों की गाड़ियों को आठ 10 घंटे लग रहे चार्ज होने में आपकी गाड़ी को लाइक like, एक घंटे में सुपर फास्ट चार्ज हो रहेगी ठीक है तो जस्ट दी स्पैक जस्ट द लुक इज बिल्डिंग अ ब्रांड एंड द ब्रांड इज ऑफ द स्कूल इनोवेटिव थिंग राइट दैट लास्ट टाइम आई थिंक काफी साल लास्ट किया देन दे कॉट अटेंशन बाय से सेल्फ ड्राइविंग ठीक है दिस जिस चेंज द इमेज राइट फ्रॉम दिस कूल्ड सेक्सी कार ब्रांड टू लाइक सॉफ्टवेयर एकदम फोड़ू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ hmm. इसमें ही है सारा टेक्नोलॉजी इसमें है ठीक है एंड इफ इवन इफ यू ट्रैक वॉट इलॉन मस्क स्पोक फॉर अ लॉन्ग नंबर ऑफ ईयरस ज्यादा बात किया क्यों क्योंकि वो इमेज बिल्ड हो रही है इट्स अ कॉन्शियस कॉल इट्स नॉट एक्सीडेंट अ कॉन्शियस कॉल कि मुझे इमेज बिल्ड करना है कि यार हम लोग को एक कुल सॉफ्टवेयर कंपनी है बाकी ऑटोमोटिव कंपनी से बोरिंग हार्डवेयर कंपनी से बोरिंग है हमने कुल सॉफ्टवेयर बिल्ड किया हमारे सॉफ्टवेयर लाइक मार्जिन है नहीं है ठीक है फ्रेंकली दे हैव टेन परसेंट बेटा मार्जिन क्योंकि वो प्राइस प्रीमियम लेते हैं देव हैव सॉफ्टवेयर मार्जिन बट लाइक बहुत सारे इन्वेस्टर्स है वैल्यू इंग ट सॉफ्टेयर कंपनी ठीक है ग्रेडिंग दम क्रेजी वैल्यूएस एंड वो पर्टिकुलर इन अ पर्टिक्युलर एर रियली टूक द वैल्यूशन लाइक ट्वेंटी थर्टी बिलियन डॉलर्स लाइक टू थ्री हंड्रेड्रेड बिलियन डॉलर एंड बिल्ट अ ब्रांड क्या यह तो सॉफ्टवेयर कंपनी है बाकी सब हार ऑटोमोटिकनज लाइक पुरानी घटिया मैकेनिकल कंपनीज हैं दैट लास्टर दैम फॉर फ्यू ईयर्स देन एज दे बिकेम मोर मासी ठीक है अब मास कस्टमर को इतना नहीं समझ में आएगा सेल ड्राइविंग क्या है क्योंकि सेल ड्राइविंग टेन ईयर्स लेटर ऑल्सो इज लाइक मिडल ऑफ द रोड पूरा सेल्फ ड्राइविंग नहीं हुआ अभी तक और चेंजिंग so मॉडल की बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे ठीक है बट इफ प्लांटेड वेल इफ फोकस्ड वेल ऑन इट यू कैन बिल्ड एन इमेज की यार टेस्ला के पास इतनी फोडो टेक्नोलॉजी की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनाएगा अब सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार मतलब टेस्ला ठीक है इलेक्ट्रिक कार इन द मार्केट बाई नॉप सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार मैं बनाने वाला हूँ ठीक है इट मे मे नॉट वर्क बट इट इज एन अटेम्प्टक इन प्रोग्रेस इट मे ऑल्सो वर्क आई थिंक ब्रांड आर चेंजिंग आई थिंक इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिस्कवर समथिंग जो बहुत सालों तक आपके लिए सेम रहेगा लाइक like, टाटा ठीक है ट्रस्ट लाइक एथिक्स टाटा ठीक है हंड्रेड इय लेटर स्टार्टा एंड प्रॉब्ल लास्ट फिफ्टीसो ठीक है आई आंक टाटा जरा रश किया नहीं आर मे को मतलब आई नीड बी सनली सीन एज ब्रांड ब्रांड एस एंड ट्रस्ट बैंड आई थिंक वो फेवराउटने में टाइम लगता है एंड आई थिंक इट्स ओके आई डोंट थिंक ऑंट्रपनर शुड भी लगे कि हाँ नहीं, नहीं मेरे को पहले दस बीस साल में फेवराउ करना एग्जैक्टली exactly क्या हूँ सर बीस तीस साल तक तो चेंज होता रहेगा आपका स्टोरी ठीक है कैसे नहीं होगा माइक्रोसॉफ्ट का स्टार्ट किया था बिलियर्ट्स ने तब वो क्या था इट वॉज बेसिकली द ओनली ओ एस जो सब यूज कर सकता है जिसपे सारे सब, तो आप बेसिकली आपका ब्रांड ये है कि यार इस पर सब कुछ चलता है hmm. फिर बहुत साल आपका ब्रांड बन गया इसमें सब कुछ फ्री है इंटरनेट एक्सप्लो फ्री है आपका आउटलुक फ्री है बहुत चीजें फ्री है इस पर फिर इफ यू सी टुडे माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट नोन फॉर दो थिंग्स अब उनका ब्रांड बन रहा है ए आई के ऊपर लेकिन तो टेक्नोलॉजी की बहुत ही एडवांस कंपनी बन रही है माइक्रोसॉफ्ट ठीक है आपका ब्रांड चेंज हो रहा है यू आर नो लॉन्गर द ब्रांड जो बीस साल पहले था ठीक है एग इट्स ओके आई थिंक इफ माइक्रोसॉफ्ट फोर्टी ईयर्स लेटर इज चेंजिंग एज अ ब्रांड आई थिंक इट्स ओके इज जस्ट दैट कॉन्शियस कॉल है यह आपको काफी डेलीबरेटली एक इमेज क्रिएट करने की जरूरत है यू वांट कस्टमर्स टू थिंक अबाउट यूर अ पर्टिकुलर लाइट एंड कुछ सालों लास्ट करना चाहिए आइडियली पाँच दस साल लास्ट करना चाहिए उससे ज्यादा अगर लास्ट करिए देन यू नो you know कि यू हैट कोल्ड अब ये तो आपकी जिंदगी चलने वाला है ठीक हाँ, है टाटा बनाती है टाटा ठीक हाँ, है <laughs> बढ़िया है बट वो थोड़ा मुश्किल है ठीक है अगर वो नहीं हुआ तो मैं कोई टेंशन नहीं है पांच दस साल मैंने फिगर आउट नेक्स्ट स्टोरी लाइक like, mm -hmm. आपका काम बेचना है सेल ड्रीम पीपल कैन बिलीव इन सेल एफ प्रोमिस अ टाइम इट्स नाउ मोर क्वालिटी एंड इट विल चेंज अगेन टू थ्री लेटर ठीक है, hmm. so है ना तीन वे में बनती है चैलेंजर ब्रांड ग्लैमर ब्रांड और ट्रस्ट ब्रांड हाँ राइट सो चैलेंजर ब्रांडर की तुम आप मार्केट में दूसरा एनिमी बना देते हो जो बहुत सुपर फेमस है सामने खड़े होते हैं उसकी पॉपुलरिटी आप ड्राइव कर जाते सेकेंड इज ग्लैमर ब्रांड आम द कूल क्लब कम जॉइन मी जॉर्डन्स राइट यज आम द कूल क्लब और बीच्स एंड देन दर्ड पार्ट इज विच इज द ट्रस्ट ब्रांड सालों तक आप जो बोलते हो उस पर डिलीवर करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, 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 हो कि नाउ इज बिकम अ डिफॉल्टी दैट इज द लॉन्गर रूट फेज ऑफ आर कमी बिल्डिंग हमने glamour, वाला खेल हमने ग्लैमर वाला दो तीन चार निकाल दिया अब काफी प्लेयर्स भी तूसा है दूसरा बहुत सारा कॉम्पिटिशन है देवाल ग्लैमर गेम आई थिंक विल बी मिस्टेक इफ आई कीप प्लेंग द ग्लैमर गेम एट दिस पॉइंट ठीक है ट्राइंग टू ब कूलस्ट किट इन कूल किट्स का विसिनटी इज जस्ट यूर एक्चुअली एंड बर्निंग मनी ठीक है टू रिमेन कूलर ठीक है ऑल द टाइम राइट

कैन गिव यू सो मैनी आइडियाज़ एंड आर द सो मैनी आइडियाज अगर तुम एक पे भी इम्प्लीमेंट कर जाओगे तो तुम अपना इंडियन ड्रीम जल्दी अचीव कर लोगे थैंक यू सो मच अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड कीप फिगरिंग आउट